आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है, व्हेन NaCl इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड या फ्रीजिंग पॉइंट रेज हो जाएगा? ठीक है, चेंज नहीं होगा, ये हमको निकालना है। देखिए, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है यहाँ पे हमारे पास। ग्लूकोज होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी आप यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है और एक आपके पास सॉल्यूशन है, ये हो गया प्योर वाटर। ठीक है, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा जिसको मैं बता रहा हूँ पी नॉट, और यहाँ आपका ग्लूकोज है और प्लस वाटर है, सॉल्यूशन है, इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा पीएस। ग्लूकोज के पार्टिकल्स स्टक हो जाएंगे सरफेस पे और मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को वेपरेशन कम करने देंगे, जिससे वेपर प्रेशर कम आएगा, मतलब पी नॉट ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर, किससे? पीएस से, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। अब क्योंकि ये कम हो रहा है, ठीक है, इससे होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट आता है, डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट। रीजन क्या है वो समझते हैं। देखिए, मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये जो ग्राफ है वेपर प्रेशर का बढ़ता हुआ ग्राफ है टेम्परेचर के साथ, किसके लिए है? सोलवेंट के लिए है ग्राफ है ये पी नोट का। इन ये छोटा कम होगा तो ग्राफ नीचे आएगा, किसका? पीएस के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, लिक्विड के लिए हो गया, सॉलिड के लिए ग्राफ इस तरह का आता है, सॉलिड के। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ग्राफ सॉलिड के लिए कुछ इस तरह का आता है, इसमें तेजी से चेंज आता है वेपर प्रेशर में, क्योंकि लिक्विड फेज में ऑलरेडी वेपर प्रेशर अच्छा होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन सॉलिड में वेपर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तेजी से वेपर प्रेशर बढ़ता है, जिससे हमें चेंज काफ़ी अच्छा आता है। सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है, मिलाएंगे पीछे, तो ये जो पॉइंट बना है ना, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर आपका बताएगा फ्रीजिंग पॉइंट। वन लिख रहा हूँ मैं किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। इसको आप और पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हमारा ये आएगा इस बार टू, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा टू जो है वो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, कम हो गया है, पहले जीरो पे था माइनस में चला गया। कितना कम हुआ इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टी एफ, इस पॉइंट को बोलेंगे डेल्टा टी एफ, इस डिफरेंस को, एक्सक्यूज मी, ये आपके पास तरह से है। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे डेल्टा टी एफ है, इसको बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे आप अगर इसमें मिला दोगे NaCl और, अब मैं मान लीजिए मैंने NaCl और मिला दिया इसके अंदर, प्लस NaCl भी कर दिया, तो NaCl तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी है, टूट जाएगा, Na प्लस और सिल्वेंस प्रोवाइड कर देगा और। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिससे क्या होगा, ज़्यादा स्टक हो जाएंगे ये सरफेस पे, पीएस और भी कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर हमारा और कम हो जाएगा, तो ग्राफ हमारा और नीचे आएगा। ठीक है, ग्राफ और नीचे आएगा पीएस डैश से, इसमें NaCl भी है, तो पीछे जब मिलेगा तो और भी पीछे मिलेगा अभी, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।